मित्रों नमस्कार, हाजिर हूँ मैं आज एक नए विषय के साथ। आज का हमारा विषय है ग्रह एवं पारिवारिक संबंध, अर्थात हमारी जन्म कुंडली में किस ग्रह को प्रसन्न करके हमारे परिवार में किस रिश्ते को सुधारा जा सकता है, या फिर हमारे परिवार के किस रिश्ते में सुधार करके जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रह से शुभ फल प्राप्त किया जा सकता है। ये एक दूसरे के बिल्कुल पूरक हैं। कहा है कि अगर परिवार के अंदर या समाज के अंदर जो हमारे रिश्ते नाते हैं, अगर हम उनमें सुधार कर लें तो जन्म कुंडली में जो बहुत सारे ग्रह हमें खराब फल देने वाले हैं, उनका खराब फल भी शुभता में बदल जाता है। अर्थात अगर हमारे परिवार के जो रिश्ते हैं उनमें हम सुधार कर लेते हैं तो जो ग्रह हमें खराब फल देने वाले होते हैं उस खराब फल से बचा जा सकता है। इसलिए कहा है, हैं जिनके पास अपने वो अपनों से झगड़ते हैं, हैं जिनके पास अपने वो अपनों से झगड़ते हैं, नहीं है जिनका कोई अपना वो अपनों के लिए तरसते हैं। मित्रों इस दुनिया में जो चीज़ हमारे पास होती है उसकी वैल्यू हमेशा ही हमें कम लगती है, और जो चीज़ हमारे हाथ से निकल गई होती है उस चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा तरसते हैं। अर्थात जो हमारे पास है उसकी वैल्यू हमें नहीं है, उसकी वैल्यू हम समझते नहीं हैं, और जो चीज़ हमारे हाथ से निकल चुकी है, हमसे दूर जा चुकी है, उसके लिए हम तरसते हैं। यही तो इंसान का स्वभाव है। इसलिए मित्रों हमेशा परिवार के जो रिश्ते नाते हैं उनमें हमें सुधार करना चाहिए, हमेशा प्रेम से रहना चाहिए, और जो परिवार के रिश्ते हैं वो हमें मजबूत रखने चाहिए। अगर हमसे गलती हो जाती है तो हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए, और अगर किसी दूसरे से गलती हो जाती है तो हमें उन्हें क्षमा कर देना चाहिए, उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। अगर हम ऐसा स्वभाव रखते हैं तो हमारे जो रिश्ते हैं वो कभी भी नहीं बिगड़ेंगे, और जब हमारे रिश्ते नहीं बिगड़ेंगे तो जीवन में आने वाली अनेक कठिनाइयाँ अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी। ये छोटा सा जीवन है, इसके अंदर सुख दुख रोग दोष न जाने कितनी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। अगर हमारे रिश्ते मजबूत हैं, मधुर हैं, अच्छे हैं, तो जीवन में आने वाले दुख और रोग भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आसानी से हम उनको सहन कर सकते हैं। अगर हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, उनमें मधुरता नहीं है, तो छोटी छोटी बीमारियाँ, छोटी छोटी समस्याएँ, छोटी छोटी कठिनाइयाँ भी हमारे जीवन को हिला के रख देती है। इसलिए मित्रों अपने परिवार में प्रेम से रहना चाहिए, सभी रिश्तों को मधुर बना के रखना चाहिए, समाज में जितने भी रिश्ते नाते हैं सबसे प्रेम से रहना चाहिए। इसलिए आज का जो विषय है, आइए हम आज के विषय पर आते हैं और देखते हैं कि जन्म कुंडली का कौन सा ग्रह किस रिश्ते को दर्शाता है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले सूर्य देव को देखते हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी ग्रह हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सब सूर्य देव से ही तो तेज लेते हैं, इसलिए सब सूर्य देव से तेज लेने के कारण सूर्य को जगत पिता भी कहा गया है। हमारी जन्म कुंडली में सूर्य को आत्मा कहा गया है, और हमारे जो रिश्ते नाते हैं उनमें सूर्य देव को पिता कहा गया है, चाचा कहा गया है, ताऊ कहा गया है, अर्थात पिता के तुल्य जो हमारे रिश्ते हैं उनकी तुलना सूर्य से की गई है। अगर हमारी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह नीच के बैठे हैं, या शत्रु ग्रह की राशि में बैठे हैं, या फिर क्रूर या पापी ग्रह की दृष्टि सूर्य देव पर पड़ रही है, तो हमारे पिता के साथ जो रिश्ता है उसमें कहीं ना कहीं खराबी आ जाती है। अर्थात पिता पुत्र की आपस में बनती नहीं है, उनके अंदर अक्सर झगड़े होते रहते हैं। चाचा ताऊ पिता तुल्य जो इंसान हैं उनके साथ हमारी कम बनती है। इसलिए जन्म कुंडली में जो सूर्य देव हैं उनके निमित्त पाठ पूजा अर्चना करके, या सूर्य देवित देव निमित्त कुछ उपाय करके पिता के साथ जो हमारे रिश्ते बिगड़े हुए हैं उनको सुधारा जा सकता है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं, अगर सूर्य देव हमारी जन्म कुंडली में हमें खराब फल दे रहे हैं तो हम पिता की सेवा करके, या पिता तुल्य कोई भी हमारा रिश्ता है उसके साथ हम उसकी सेवा करके इस सूर्य द्वारा जो खराब फल हमें मिल रहा है उसमें सुधार किया जा सकता है, अर्थात सूर्य से अच्छे फल को प्राप्त किया जा सकता है। अब आइए चंद्रदेव की बात कर लेते हैं। जन्म कुंडली में जो चंद्रमा है वो माता का कारक होता है। हमारे जो रिश्ते नाते हैं माता जो है चंद्रमा को दर्शाता है, या चंद्रमा जो है माता को दर्शाता है।
यहाँ पर मौसी और कहीं ना कहीं मैं बहुत सारी जन्म कुंडलियाँ देखता हूँ, तो उसके अंदर जिसका जो चंद्रमा होता है वो क्षीण होता है या फिर गलत स्थान पर उसकी जो प्लेसमेंट है गलत जगह पर हो गई है, तो कहीं ना कहीं जातक की जो पत्नी है उसका भी स्वास्थ्य खराब रहता है। इसलिए चंद्रमा जो है जन्म कुंडली में माता मौसी यानी माता तुल्य मौसी और स्त्री कहीं न कहीं तीनों का कारक माना गया है। अगर हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब है तो हमारा जो माता के साथ संबंध है उसमें खराबी आ जाती है, जो स्त्री है उसके संबंध में खराबी आ जाती है, या फिर जो हमारी माता है उसका जो स्वास्थ्य है वो खराब हो जाता है, वो अक्सर बीमार रहती है, या जो स्त्री है वो हमेशा अक्सर बीमार रहती है। इसलिए हम जो जन्म कुंडली में हमारा चंद्रमा है उसके निमित्त पाठ पूजा करके माता के जो स्वस्थ है, माता का जो स्वस्थ है, स्त्री का स्वस्थ है, या माता के साथ जो हमारा रिश्ता है उसमें सुधार किया जा सकता है। या फिर चंद्रमा हमारी जन्म कुंडली में खराब फल दे रहा है तो माता की सेवा करके स्त्री के साथ अच्छे संबंध करके बना करके चंद्रमा द्वारा दिए गए गलत फल को, खराब फल को कम किया जा सकता है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह जन्म कुंडली में छोटे भाई बहन का कारक है और पुत्र का कारक है। अगर जन्म कुंडली में मंगल ग्रह की प्लेसमेंट खराब है या नीच होकर के या फिर निर्बली होकर के जन्म कुंडली में बैठे हुए हैं तो अक्सर हमारे जो छोटे भाई बहन हैं उनसे हमारा झगड़ा होता रहता है, पुत्र के साथ बनती नहीं है। इसलिए जन्म कुंडली में मंगल ग्रह अगर खराब फल दे रहे हैं तो अगर इससे हम शुभ फल चाहते हैं तो छोटे भाई बहन से हमें, छोटे भाई बहन का जो रिश्ता है हमारा उसमें हमें सुधार करना पड़ेगा, उनसे प्रेम से रहना पड़ेगा। अब छोटे हैं तो उनके लिए कोई न कोई उपहार ला करके दे दीजिए, उनको प्रसन्न कर दीजिए तो मंगल ग्रह भी अपने आप ठीक हो जाएंगे। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं अगर यहाँ पर हमारे रिश्ते खराब हैं तो मंगल ग्रह की पाठ पूजा करके इस रिश्ते को सुधारा जा सकता है। बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह मामा पक्ष को दर्शाता है, यहाँ पर बेटी को दर्शाता है, बुआ को दर्शाता है। बेटी कौन सी? जिसकी शादी हो चुकी है। इसलिए अगर बुध ग्रह हमें खराब फल दे रहा है और बुध ग्रह से हम अच्छा फल चाहते हैं तो कोई भी ऐसा ना हो कि कोई बेटी हमारे घर में या हमारी बुआ हमारे घर में आए वो खाली हाथ ही चली जाए। इसलिए इनका आदर सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम इनका आदर सम्मान करेंगे तो बुध ग्रह द्वारा जो खराब फल हमें मिल रहा है उसमें सुधार होगा और बुध ग्रह हमें अच्छा फल देने लग जाएगा। मित्रों बात करते हैं गुरुदेव की। जो गुरु है वो बड़े भाई का, पुत्र का और गुरु सेवा का और ब्राह्मणों का प्रतीक है। इसलिए अगर जन्म कुंडली में गुरु के द्वारा हमें खराब फल मिल रहा है तो हमें अपने बड़े भाई के साथ जो हमारा संबंध है उसमें सुधार करना चाहिए। जो गुरुदेव हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो गुरुदेव हमेशा ही हमें शुभ फल प्रदान करेंगे। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं अगर बड़े भाई के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, अक्सर झगड़ा होता रहता है, तो फिर हमें गुरु जो हमारी जन्म कुंडली में बैठा है इसके निमित्त पाठ पूजा करके या कुछ उपाय करके इन रिश्तों में सुधार किया जा सकता है। बात करते हैं शुक्र ग्रह की। जो शुक्र ग्रह है वो हमारे जन्म हमारे रिश्तों में पत्नी का कारक है। शुक्र ग्रह अगर हमारी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं खराब होकर के बैठा है तो हमारी जो जातक की जो पत्नी है वो कहीं ना कहीं बीमार रहती है, या फिर पत्नी के साथ जो रिश्ते हैं उनमें कटुकता आ जाती है, वो रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसलिए अगर शुक्र ग्रह से आप शुभ फल चाहते हैं या फिर पत्नी से जो हमारा रिश्ता है उसमें मधुरता चाहते हैं तो शुक्र ग्रह के निमित्त पाठ पूजा करके इस रिश्ते में सुधार किया जा सकता है। या फिर शुक्र ग्रह आपकी जन्म कुंडली में खराब फल दे रहे हैं तो पत्नी के साथ रिश्ता अच्छा बना करके इनके लिए कोई ना कोई उपहार ला करके इस शुक्र देव द्वारा जो खराब फल हमें दे रहा है शुभ फल की प्राप्ति की जा सकती है। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह कर्मचारी, सेवक, सफाई कर्मचारी, जो नौकर है निचले दर्जे के, उनको दर्शाता है। अगर हमारी जन्म कुंडली में शनिदेव खराब फल दे रहा है, नीच की राशि में बैठा है, उसकी प्लेसमेंट खराब है,
तो कर्मचारियों के प्रति सेवा भाव रख करके, इनके लिए कोई न कोई उपहार ला करके, सफाई कर्मचारियों के लिए कोई न कोई गिफ्ट उपहार उनको उपहार के रूप में देने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और हमें शुभ फल प्रदान करने लग जाते हैं। राहु ग्रह जो है वो हमारे पितामह को दर्शाता है, अर्थात हमारे दादा को दर्शाता है, या फिर हमारे दादा के तुल्य कोई भी आदमी है उसके रिश्ते को दर्शाता है। इसलिए अगर राहु ग्रह हमारे जन्म कुंडली में खराब फल दे रहा है तो हमें अपने पितामह अर्थात दादा की सेवा करनी चाहिए, या फिर दादा तुल्य कोई भी इंसान है उसकी हमें सेवा करनी चाहिए, या फिर हमारे जो रिश्ते हैं वो हमारे दादा के साथ बनते नहीं हैं, खराब हैं, तो हमें राहु ग्रह के निमित्त पाठ पूजा करके उन रिश्तों में सुधार लाना चाहिए। बात करते हैं केतु ग्रह की। जो केतु ग्रह है वो हमारे जन्म कुंडली में मातामह को दर्शाता है, अर्थात हमारा जो नाना है उसको दर्शाता है। अगर हमारी जन्म कुंडली में केतु ग्रह कहीं ना कहीं हमें नुकसान दे रहा है, खराब फल दे रहा है, जिस भाव में बैठा है उस भाव के फल का नाश कर रहा है, तो हमें जो हमारा नाना है उसके साथ जो हमारे रिश्ते हैं उसमें सुधार करना चाहिए। हमें अपने नाना जी की सेवा करनी चाहिए। अगर हमारे नाना जी प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद देते हैं तो केतु ग्रह द्वारा दिया गया जो खराब फल है उसमें कहीं ना कहीं सुधार आ जाता है और हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसलिए मित्रों, आज हमने जो 9 के 9 ग्रह थे, कौन सा ग्रह किस पारिवारिक रिश्ते को दर्शाता है, उसके बारे में हमने चर्चा की। आशा करता हूँ यहाँ दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और भली भांति जान चुके होंगे कि कौन सा ग्रह किस रिश्ते को दर्शाता है और किस रिश्ते में सुधार करके किस ग्रह को सुधारा जा सकता है, या फिर किस ग्रह को सुधार करके किस रिश्ते में सुधार किया जा सकता है, आप भली भांति जान चुके होंगे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। मित्रों, अगर यहाँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।